हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अभी अपन लोग देखेंगे 14 जून का इतिहास क्यों है इतना खास। सबसे पहली चीज़ है कि जो टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ जो कि जर्मन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी, ये 22 बार ग्रैंड स्लैम विनर हैं, 377 वीक्स के लिए लगातार पहले स्थान पर भी थी। इनका जो है जन्म आज ही के दिन हुआ था 1969 में, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो आप लोग, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस में हुआ था, ठीक है। देख सकते हो आप लोग डोनाल्ड ट्रंप एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। इसके अलावा देख सकते हो 1907 में वुमेन्स जो है इन्हें अधिकार मिला था वोटिंग का नॉर्वे में, ठीक है। और डॉक्टर सी वी रमन वॉज प्रेजेंटेड विद द लेनाइन पीस प्राइज इन क्रेमलिन ऑन 14 जून 1958, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग ज़रा ध्यान से, सी वी रमन जी के बारे में तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, इन्हें बहुत सारे प्राइजेज और भी मिले थे, सिर्फ एक ही नहीं मिला था, बहुत अच्छे प्राइज बहुत इसके अलावा भी मिल चुके हैं। ये नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स भी इन्हें मिला है, ठीक है, नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन्होंने स्कोर किया था। इसके अलावा इन्हें भारत रत्न मिला था, यूजेस मेडल मिला था, फ्रैंकलिन मेडल मिला था, बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। ये इंडियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड बनाया है अपने फील्ड में, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड्स, ठीक है। और सी वी रमन, रमन इफेक्ट पे इन्हें क्या मिला था, नोबल पुरस्कार भी मिला था। कौन से ईयर में मिला था, 1930 का मिला था, ठीक है। चलो तो फिर आज का सेशन हम लोग इतना रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।